हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधिस क्रोशेट यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास नंबर 2 में हम सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करने से पहले हम स्लिप स्टिच ट्राई करेंगे। तो स्लिप स्टिच वर्क करने के लिए पहले तो ये मैंने चेन स्टिच वर्क की है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डू स्लिप स्टिच। सो बिफोर डूइंग स्लिप स्टिच, फर्स्ट यू नीड टू वर्क दिस चेन स्टिच, सिंपल चेन स्टिच। सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू वर्क दिस सिंपल चेन स्टिच, देन विजिट क्लास 1, क्रोचेट क्लास 1 फॉर बिगिनर्स फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल निधिस क्रोशे आर्ट। ओके, सो इन द क्लास 1 वी हैव वर्कड दिस मच। क्लास 1 में हमने इतना वर्क किया था। अब उसके बाद हम क्लास 2 में आज स्लिप स्टिच वर्क करेंगे। तो स्लिप स्टिच वर्क करने के लिए ये मैंने बेसिक चेन्स बनाई है, जो आपने भी शायद बनाई होगी अगर क्लास 1 देखा होगा। तो क्लास 2 के लिए ये होल्डिंग टेक्निक मेरी ये है। धागा जो है एक्स्ट्रा, मैं उसको इस तरह से होल्ड करती हूँ, एंड जो सुइया है दैट्स अ हुक को मैं इस तरह से होल्ड कर रही हूँ। सो मीन वाइल ऑल्सो ऑब्जर्व द होल्डिंग टेक्निक्स ऑफ वुलन यार्न एज वेल एज द होल्डिंग टेक्निक्स ऑफ दिस हुक। सो टू इन ऑर्डर टू वर्क स्लिप स्टिच, इंसर्ट योर हुक आफ्टर स्कीपिंग 4 चेन स्टिच, 1, 2, 3 एंड 4। सो हमने 4 चेन स्टिच स्किप की, 1, 2, 3 एंड 4, एंड 5th चेन में मैंने इस तरह से हुक को इंसर्ट किया इस तरह से। अब जो है हम इस तरह से धागे को लेंगे इस तरह से। वंस अगेन आई एम शोइंग यू, आई एम टेकिंग दिस वूलन यार्न इन दिस होल। अगेन आई एम ट्रांसफरिंग इन दिस फर्स्ट होल। सो दिस इज कॉल्ड एज स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच में हमने सिंपली ये धागे को एक चेन स्टिच से दूसरी करंट चेन स्टिच में ट्रांसफर किया। चलिए एक बार वापस करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं मुझे स्लिप स्टिच करना है, अगेन स्किप 1, 2, 3 एंड 4 चेन्स, एंड इन द 5th चेन इंसर्ट योर हुक इन द 5th चेन इस तरह से। एंड अगेन आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो धागा है इसको ये 2 होल्स में से ट्रांसफर करना है। सो यू नीड टू ट्रांसफर दिस वुलन यार्न फ्रॉम दिस 2 होल्स। वंस अगेन आई एम शोइंग यू, आउट ऑफ दिस 2 यार्न ओवर एंड सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस। अगेन स्किप नेक्स्ट 4, 1, 2, 3, 4, एंड इन द 5th वन इंसर्ट योर हुक लाइक दिस। एंड वापस हम स्लिप स्टिच वर्क करेंगे। सो यार्न ओवर और स्लोली फर्स्ट होल में से हमने ट्रांसफ़र किया, अब सेकेंड होल में से हम ट्रांसफ़र करेंगे इस तरह से। सो बेसिकली द यूज़ ऑफ स्लिप स्टिच इज टू मेक सर्कल or to shift the yarn to some another point. So basic use kya hai,
कि उससे हमें सर्कल बना सकते हैं, चेन स्टिच और स्लिप स्टिच यूज़ करके हम बेसिक सर्कल बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पे 3 सर्कल्स बनाए। और दूसरा यूसेज है ये है कि आप जो वर्क कर रहे हो जब क्रोशे वर्क, तो अगर आपको सुइया यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करना है विदाउट डूइंग एनी स्टिच, सपोज़ कलर चेंज करना है या तो फिर ऐसी कोई स्टिच है जिसमें ट्रांसफ़र करना है, तो उसमें भी स्लिप स्टिच यूज़ होता है। तो चलिए अब वो देखते हैं। फर्स्ट जो यूज़ था वो सर्कल का, वो हमने देख लिया। अब उसके बाद हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं पॉइंट्स को। तो ये जो चेन स्टिच है तो उसमें से हम इस तरह से इंसर्ट करेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, वापस इसमें से भी बाहर निकालेंगे, वापस हम नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच उसमें से हम इस तरह से बाहर निकालेंगे, वापस ये जो करंट होल है उसमें से भी हम इस तरह से बाहर निकालेंगे। तो ये हो गई स्लिप स्टिच। वापस जो नेक्स्ट स्टिच है चेन स्टिच, उसमें हम सुइया इंसर्ट करेंगे, उसमें से बाहर निकालेंगे इस तरह, वापस इसमें से बाहर निकालेंगे। सो सिमिलरली रिपीट दिस स्टेप्स, अगेन इंसर्ट योर हुक इन द नेक्स्ट चेन स्टिच, टेक दिस यार्न, नाउ अगेन ट्रांसफर फ्रॉम दिस करंट पॉइंट। सो इन दिस वे वी कैन चेंज अवर वर्किंग पॉइंट। अगेन इंसर्ट इन टू द नेक्स्ट वन, सी दिस इज द चेन स्टिच एंड स्लिप स्टिच। सो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस फॉर स्लिप स्टिच। द मेन यूजेज एंड द वेरी मोस्ट क्रिएटिव यूज ऑफ स्लिप स्टिच इज टू राइट नेम और टू राइट लेटर और एनीथिंग। सो दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स। और भी एक यूज़ है स्लिप स्टिच का कि आप नेम लिख सकते हो, कोई अल्फ़ाबेट लेटर, कोई ड्राइंग भी इवन आप स्लिप स्टिच से बना सकते हो, लेकिन वो हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि उसके लिए आपको सिंगल क्रोशे आना ज़रूरी है। तो चलिए आज हमने प्रैक्टिस की स्लिप स्टिच की। आई होप आपको पता चला होगा इस वीडियो से कि कैसे हम स्लिप स्टिच वर्क कर सकते हैं। स्टिल आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप ये वीडियो की कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए आज क्लास 2 में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास 3 वी विल सी हाउ टू वर्क सिंगल क्रोशे स्टिच, हाउ टू वर्क सिंगल क्रोशे स्टिच। ओके सो नाउ डू प्रैक्टिस फॉर चेन स्टिच एंड स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच फॉर वर्किंग for making this kind of circles and slip stitch just to transfer your point from one place to another. So continue in this way. Thank you so much. Have a nice day.